हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर डिज़ाइनर 360। मैं हूँ प्रियंका और हम लोग आ पहुँचे हैं सफ़ी स्कूल के सामने, जहाँ चल रहा है मैथ का एग्ज़ाम। 12th का चल रहा है एग्ज़ाम, और 12th के बाद यूजुअली सब करियर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि क्या चूज़ करना है, कॉलेज जाना है, रेदर कोई दूसरा फील्ड में जाना है। और मैथ्स जो सब्जेक्ट है, जिस जिसको पूछे कोई उसको लेके बहुत फियर करता है, कोई सोचता है यार ख़त्म हो तो बहुत अच्छा हो। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग नर्वस भी है, और देखते हैं, बात करते हैं कैसे सबका एग्ज़ाम जा रहा है, एंड मैथ्स को लेके स्पेशली सबका रिएक्शन क्या है, मैथ्स सुनने के बाद सबको सबसे पहले क्या ख्याल आता है। सो लेट्स वॉच कैसा गया था। एवरेज मतलब एनी फनी वे, मतलब बकवास और सुपर्ब और समथिंग, कोई वर्ड? पेपर तो बहुत ख़राब आया था, बट जितना प्रेप करके गए तो उसके हिसाब से एवरेज आया है। तो क्या लग रहा है एग्ज़ाम के बाद, मतलब जैसे अभी ख़त्म होने वाले कुछ ही दिनों में, तो क्या लग रहा है कि मैथ फिर टच करना है कि नहीं, मैं आगे लाइफ में कभी टच नहीं करना, जिंदगी में नहीं टच करना है ना? ओके, आपका नाम? अनस। ओके, थैंक यू। नाम? हमारा नाम मुसविरुद्दीन। एग्ज़ाम कैसा गया, स्पेशली मैथ्स का एग्ज़ाम कैसा गया? मोर ऑर लेस फाइन। अच्छा, वन वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना एग्ज़ाम को? गुड। गुड, या अच्छा। इसके बाद एग्जाम, इसके एग्जाम के बाद मैथ को टच करना है कि नहीं करना है? ना, जिंदगी में नहीं टच करना है ना? नहीं टच करना। ओके, थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाई आई हैव चोज माय एडिशनल एज बायोलॉजी। अच्छा, तो मतलब कॉलेज क्या लेके करना है, मतलब कौन से स्ट्रीम से करना है? आई हैवंट डिसाइडेड, आई थिंक आई विल बी शिफ्टिंग टू आर्ट्स। टाइम है ना, मतलब अभी पहले एंजॉय करना है। या एक्चुअली ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। एग्जाम कैसा गया? एवरेज। अगर वन वर्ड में बोले एग्जाम कैसा गया तो क्या बोलना चाहोगे? जस्ट पास, वही लेंदी था, ऐसा कुछ। मैथ का पेपर कैसा गया? स्पेशल अच्छा गया, काफी इजी था पेपर, बट लेंदी था, वक्त नहीं था। अच्छा, इसके झूठ बोलना, झूठ बोलना। और इसके बाद मैथ को टच करना है? हाँ, करना है इंशाल्लाह। ओके, नाम आपका? अफनान। ओके, थैंक यू। अच्छा, हेलो हेलो, आप तो इतना ज्यादा एक्साइटेड है, बताओ पहले। ऐसा कोई पेपर सेट करता है बोर्ड्स का? ऐसा कोई पेपर सेट करता है? अच्छा, मतलब अगर वन वर्ड में, अगर एक्सप्रेशन से बताए कि एग्जाम कैसा गया, क्या एक्सप्रेशन होगा? कौन सी बार लोग नहीं चाह रहे हम लोग पास हो। ओके, हाय, एग्जाम कैसा गया? इट वाज गुड, आई डिड माय बेस्ट। वन वर्ड में अगर बोलो एग्जाम डिस्क्राइब करना है, क्या करोगे? It was good. Expression से? Expression से, because मेरा तो अच्छा गया, but अच्छा, 12th के बाद math touch करना है? ना, नहीं, math हाँ, obviously. Okay, मतलब maths को लेके continue करना है ना? BCOM. I'm a computer. Okay, आपका नाम? रुमान। Okay, thank you. Thank you. It was good. अगर one word में बोले exam को describe करने, क्या बोलोगे आप? Okay, it wasn't. 12th के बाद math touch करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आपका नाम? साइमा। थैंक यू। हाय, एग्जाम कैसा गया? मीडियोकर। अच्छा, अगर वन वर्ड में बोले एग्जाम को डिस्क्राइब करने, क्या बोले? मीडियोकर, एवरेज काइंड। अच्छा, तो इसके बाद 12th के बाद क्या लगता है कि मैथ पेपर टच करना है और मैथ सब्जेक्ट को लेना है? नो, कभी नहीं। Never. Okay, आपका नाम? Million years and I've seen. Okay, thank you so much. Thank you. Hi, exam कैसा गया? बहुत खराब। बहुत खराब। अगर वन वर्ड में बोले एग्जाम को डिस्क्राइब करने, क्या करोगे? तो बस नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल। 12th के बाद मैथ टच करना है? नहीं, जिंदगी में नहीं। जिंदगी में नहीं। ओके, आपका नाम? महजबीन। थैंक यू सो मच। हेलो, एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गया। तो आपको क्या मैथ पेपर से मतलब अच्छा लगता है, अटैचमेंट है? अच्छा, तो 12th के बाद क्या पेपर टच करना है, मैथ का सब्जेक्ट लेना है, और अभी से बस खत्म? खत्म। ओके, आपका नाम? हुसैना उदयपुर। थैंक यू सो मच। हाय, एग्जाम कैसा गया? एग्जाम अच्छा ही गया, एग्जाम वाज नॉट दैट टफ। अच्छा, अगर बोले कि आप एक्सप्रेशन से बताइए मैथ पेपर कैसा गया, तो कौन सा एक्सप्रेशन होगा मैथ के लिए?
आज के लिए जल्दी जल्दी इतना टाइम नहीं है जल्दी सबका तो इतना अच्छा नहीं गया सब 60 नहीं नहीं एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन से बताना है मेरा तो मैं हंस रहा हूँ मेरा अच्छा ही गया अच्छा तो क्या लग रहा है 12th के बाद मैथ को टच करना है या दूर से बिल्कुल नहीं दूर से ही दूर से दो साल बहुत झेल लिया मैंने 11 12 12th का मैथ ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना मतलब क्या डिफिकल्ट था लेकिन प्रैक्टिस करने से तो हो ही गया कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा ठीक है आपका नाम मेरा नाम अशर रहमान थैंक यू सो मच तो प्रिपरेशंस कैसा चल रहा था आप एज अ पेरेंट्स अगर बोले कि उसका पढ़ाई में कैसा आपको लग रहा है कि पढ़ाई कैसा किया होगा पढ़ाई तो बहुत अच्छा की थी और मेहनत भी बहुत की थी तो नर्वसनेस तो रहता ही है तो आप लोग कैसे मोटिवेट करते हैं मोटिवेट करते हैं कि जो है लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें कोई प्रेशर नहीं है जैसा हो लिख दो मैथ को लेके यूजुअली सभी बहुत नर्वस होता है तो इसीलिए और भी ज़्यादा मैथ को लेके थी वो पता नहीं अब डाउट हो रहा था हमको भी बट अच्छा गया टेस्ट अच्छा अगर आपको बोले कि वन वर्ड में आपका एग्जाम को डिस्क्राइब करिए क्या बोलिएगा अच्छा था इजी पेपर सेट वाला वन वर्ड जैसे सुपर्ब बकवास गुड बैड कौन सा वर्ड होगा सिंपल 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 अच्छा 12th के बाद क्या लग रहा है मैथ को टच करना है या फिर दूसरा मैथ को टच नहीं टच बिल्कुल भी नहीं करना है मतलब दूर से ही ना के दूर से रहिए वही से सलाम दुआ हाँ हाँ बड़ा मुश्किल से अभी किया है मैं मैथ्स कितना पढ़ना पड़ा मैथ्स के लिए कितना दिन का प्रिपरेशन करना पड़ा लाइक मैथ्स के लिए तो एंड मोमेंट में ही किए थे बाकी सब सब्जेक्ट्स तो कम्प्लीटेड था मेन बिकॉज एडिशनल है तो मैथ्स थोड़ा कम फोकस्ड रहता है ओके आपका नाम रमशा मैम आपका साइका आशीष थैंक यू सो मच मैम एज अ अगर आप तो देख रहे हैं बच्चे लोग निकल रहे डर डर के निकल रहे हैं मैथ का पेपर के लिए कितना नर्वस है जो आप बच्चे थे आपको क्या लगता था मैथ कैसा लगता था मतलब जब आप छोटे थे तब मैथ को कैसे लेते थे कि हाँ खत्म हो तो बचे या फिर जवाब देते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ाई करो और अच्छे से पास हो जाओ ये जवाब दिया है लोग को। आप अपने पढ़ाई के टाइम में कैसे थे पढ़ाई मतलब मैथ्स कैसा लगता था वो तो हम लोग हम लोग का टाइम का बात अभी का टाइम का बात बहुत ही तो बच्चा लोग तो बहुत नर्वस रहता है तो आप लोग क्या बोलते हैं कि यार एग्जाम दे दो कोई बात नहीं है फिर एग्जाम दो अपना एग्जाम तो सही से देना होगा सही से देना होगा सही से जो है एग्जाम तो सही क्योंकि अभी जो बच्चे लोग एग्जाम दे के निकल रहे हैं वो लोग तो अब स्कूल छोड़ देगा इसीलिए और ज्यादा उन लोग के ऊपर अच्छे से एग्जाम देके निकले अच्छा से एग्जाम देके निकले यही वो दुआ देते हम लोग आपका नाम हमारा नाम ताहिर थैंक यू निकला है पढ़ के कोई नाराज नहीं निकला है नहीं सबसे ज्यादा नाराज नहीं है कोई लड़का नाराज नहीं है सब खुशी इसीलिए आप लोग को तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आप लोग देखते हैं खुशी रहे खुशी है अच्छे से पढ़ाई हुआ निकल रहा है आप लोग आए बहुत बहुत दुख से बच्चे लोग निकले समझे ना हम लोग खुशी से हम लोग मिला हाथ मिलाया सबको मिलाया खुशी से बच्चा निकला है आपका नाम हमारा मोहम्मद जहांगीर अली थैंक यू हाय आप लोग का एग्जाम कैसा गया इन ग्रुप अच्छा अगर वन वर्ड में बोले कि एग्जाम को डिस्क्राइब करने क्या डिस्क्राइब करिएगा सर दर्द आप समथिंग इट इज नेसेसरी नॉट इन आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट इन वन वर्ड बट इट तो एक्सप्रेशन से बताइए एग्जाम कैसा गया फाइन फाइन अच्छा वन वर्ड एग्जाम कैसा गया इट वाज ओके नॉट दैट गुड वन वर्ड नहीं चलेगा चीटिंग बलटना एक्सप्रेशन से कैसा लगा एग्जाम इन वन वर्ड एग्जाम कैसा गया इट वाज फाइन अच्छा क्या लग रहा है 12th के बाद मैथ पेपर को देख के क्या रिएक्शन होगा देखना ही नहीं है क्यों देखना है देखेगा ही नहीं मतलब दूर से रहेगा सबसे अनएक्सपेक्टेड मतलब मैथ को दूर से ना कि आप दूर ही रहिए दूर से सलाम दुआ ठीक है थैंक यू सो मच आपका नाम समदीन अच्छा लगा गर्ल्स ग्रुप अभी बहुत सीरियस भी है कुछ कुछ और बहुत नर्वस भी है और कुछ फनी में भी है सही है बला टली थैंक यू